करते हैं आज की दूसरी खबर का। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना, समाज में उपेक्षा, बराबरी का संघर्ष, ये सब आम बातें हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भारत का रुख करते हैं, इस उम्मीद में कि हिंदुस्तान में उन्हें कम से कम इंसान तो समझा जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि तमाम सरकार की कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान में रह रहे शरणार्थियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां का माहौल बहुत खराब है, भारत तो शुरू से ही पाकिस्तान का मैनेजमेंट इसके लिए जो है वो खराब ही है। ये चेहरे वो हैं जो अपनी मिट्टी से सिर्फ मजहब के नाम पर शोषण का शिकार हुए, और अब विडंबना देखिए, जिस हिंदुस्तान में इंसाफ की आस खींच लाई थी वहाँ भी मजबूर ही है। अब भी इस पल का इंतजार है, कागजों पर मुहर लगे और वो हिंदुस्तानी कहे जाएं, शरणार्थी कहलाने के दुख से छुटकारा मिल सके। गुजरात में 7,000 से ज्यादा पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी नागरिकता पाने की बात जोह रहे हैं। अहमदाबाद के पास ही 3,000 हिंदू शरणार्थियों ने ठिकाना बनाया हुआ है। भारत में रहने के लिए इन्हें लॉन्ग टर्म वीजा तो मिला हुआ है, लेकिन ठोस कानूनी आधार यानी नागरिकता नहीं दी गई। ये लोग जब अहमदाबाद शहर में आते हैं तो उस समय इनको अहमदाबाद पुलिस में आकर के एक रेजिडेंस परमिट लेना होता है, और उसके बाद में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सूचनाएं हैं और जो मार्गदर्शक का है वीजा से रिलेटेड, उसके अंतर्गत उसके प्रावधानों के तहत यहाँ पर उनको LTV दिया जाता है। लेकिन दिन महीनों में बदले, महीने साल में, इंतजार खत्म नहीं होता। नागरिकता संशोधन अधिनियम इन मजबूर लोगों के लिए एक आस बनकर आई। उम्मीद थी कानूनी हक मिलेगा, लेकिन हालात नहीं बदल सके तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने PM और गृह मंत्री से गुहार लगाई। प्रधानमंत्री सर मोदी से और अमित शाह से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि CAA का ये कानून जल्दी लागू करे, ये लॉन्ग टर्म वीजा से भी हमें छुटकारा हो। हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहीं पे सब कुछ करना चाहते हैं, वहाँ हमें बहुत दिक्कतें होती थी। चाहते ये है कि जल्दी जल्दी CAA का कानून लागू हो जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें नेशनलिटी नहीं मिली है तो हर साल हमें जाना पड़ता है, फिर उस पर पैसे वगैरह भी खर्च होते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी CAA का कानून लागू हो जाए। 1950 में दिल्ली में नेहरू लियाकत समझौते की बुनियाद रखी गई। तय किया गया था दोनों मुल्क अपने यहाँ शरणार्थियों को सहूलियत देंगे, लेकिन धर्म की बुनियाद में खड़े पाकिस्तान से उम्मीद ही करना भूल थी। हिंदू शरणार्थी दबाए गए, शोषण किया गया, जुल्म ढाए गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। आज भी ये शरणार्थी उस जुल्म को याद करके सिहर जाते हैं। CAA का कानून जो लागू है वो तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, और वो हमें मिलना ही चाहिए। इसकी बड़ी दिक्कत है, तो ये दिक्कत सर मोदी जी और अमित शाह सर वो खत्म कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं के लिए यही सहूलत उन्हें करना ही होगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनसे मतलब हमारी जो है बहुत डीपली मतलब रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर हमें सिटीजनशिप मिल जाता है तो हम समझे कि हमें जो फिलहाल जिन दिक्कतों का जो हम सामना कर रहे हैं हमने आपसे सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि आप पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए। 78% लोगों ने हाँ कहा, 16% ने इनकार किया, जबकि जल्द CAA NRC लागू करने की बात 6% लोगों ने कही। रुक करते अगली खबर का, बात